दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी वीडियोस की तमाम अपडेट्स आपको जरूर मिलें। थैंक यू। दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है और अल्लाह ताला को चाहने वाला निखर जाता है। ये मोहब्बत तुझे वली कर दे, तू अगर सीख ले वफा करना। शायद इतनी अच्छी नहीं हूं जितना खुद को समझती हूं, मगर इतनी बुरी भी नहीं हूं जितना आप लोग बयान करते हैं। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। गंदा हूं, मैला हूं, पर तेरा हूं, बख्श दे। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। ना लफ्जों पे जाता हूं ना लहजे से मुतासिर हूं, मैं ढूंढता लोगों को हूं लोगों के रवैयों में। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी ना कभी खो देता है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। ये जो नरम दिल के लोग होते हैं ना, ये गुस्से में भी रोने लगते हैं। तेरी दाढ़ी तुम्हारे बाद पैदा हुई मगर सफेद हो गई, लेकिन तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। तीन खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं, ठंडा दिमाग, मीठी जुबान, नर्म दिल। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब को इन खूबियों से नवाज दे, आमीन। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों की सांस रोक देते हैं। किसी का दिल ना दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तेरे लिए मसला बन जाएगा। बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना और डरना मत, क्योंकि दूध फूटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। चंद ख्वाबों की बात थी मौला, चंद ख्वाबों की बात थी मौला, पूरे होते तो क्या क्यामत थी। जो आदमी औरत की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो उसकी बड़ी बड़ी खूबियों से कभी फायदा नहीं उठा सकता। कितना दिलचस्प होता है वो लम्हा जब आपके सामने लोग झूठ बोल रहे होते हैं और आप हकीकत से आशना होते हैं। कभी कभार हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। सच्चाई के बेशुमार रास्ते हैं, मगर जो रास्ता मैंने चुना वो मोहब्बत है। वो कुन कहता है चीजें हो जाती हैं, गुमान से आगे बयान से बाहर। दुआओं का रंग नहीं होता, मगर जब रंग लाती हैं तो जिंदगी में रंग भर जाते हैं। महज कुछ वक्त अच्छा गुजारने के लिए किसी की जिंदगी दांव पर मत लगाएं। कुरान मजीद की आवाज बिल्कुल वाज़े है और शैतान क्योंकि झूठा है, बहुत ही हल्की और उलझा देने वाली आवाज में बोलता है। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर मिट्टी में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। जुल्म और गरूर की सजा दुनिया में जरूर मिलती है। जरूरी नहीं कि किसी की आह या बददुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो, बाज़ुकात किसी का जब्त और बेपनाह सब्र भी
तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने फैसले खुदा पर छोड़ देता हूं। दिल में बुगज, पेट में हराम और तवाफ पे तवाफ, काबा खुद चक्कर में है कि ये लोग किस चक्कर में हैं। ताल्लुक की मजबूत दीवार की बुनियाद में हमेशा एक शख्स की अना दफन होती है। बात के अंदर की बात समझने के लिए जात के अंदर की जात से राबता होना बहुत जरूरी है। ओ दिया ओ जाने, तू अपनी तोड़ निभा। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें तुम गौर से सुनो। सोचता हूं कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, सोचता हूं कि ढलेंगे ये अंधेरे कैसे, लोग रुखसत हुए और लोग भी कैसे कैसे। वजह ला ताल्लुकी, हम किसी से जब कोई रिश्ता तोड़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कुछ अरसे बाद हम वजह भूल जाते हैं मगर ला ताल्लुकी कायम रहती है। किसी का सबर देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, किसी का जर्फ देखना हो तो उसे इज्जत देकर देखो, किसी का खलूस देखना हो तो उसे मशवरा लेकर देखो, किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ सफर करके देखो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी और इख्तियार देकर देखो। उमदा तरीन कलाम वो है जो अल्फाज के एतबार से तो कम मगर मानी के एतबार से ज्यादा हो। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। दुनिया में संभल संभल के चल लिया तो पुल सरात पर संभल संभल के नहीं चलना पड़ेगा। लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि आप खुश होते हैं या नहीं, उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। बड़े वसोक से दुनिया फरेब देती है, बड़े वसोक से दुनिया फरेब देती है, बड़े खलूस से हम एतबार करते हैं। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है मगर रिश्ते जोड़ने और निभाने की तरगीब कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है।